पिछले दो सालों से कई तीज त्यौहार कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। कोटा का प्रसिद्ध दशहरा मेला भी इसमें शामिल है। इस बार लगातार यह दूसरा साल होगा जब कोटा नगर निगम द्वारा आयोजित किए जाने वाला दशहरा मेला नहीं लगेगा और विजयदशमी के दिन प्रतीकात्मक रूप से रावण का दहन किया जाएगा, जिसमें केवल नगर निगम के अधिकारी ही मौजूद होंगे। आम आदमियों के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। जहां हर साल 70 से लेकर 1 फीट तक का रावण का पुतला बनाया जाता था और भव्य आतिशबाजी के साथ रावण दहन किया जाता था, जिसे देखने लगभग 1,00,000 लोग जमा होते थे, लेकिन इस बार केवल 25 फीट का ही रावण बनाया जा रहा है। रावण के पुतले के निर्माण में जुटे नईम अहमद का कहना है कि नगर निगम कोटा की ओर से उनको केवल 15 फीट का रावण बनाने का ऑर्डर दिया गया है, लेकिन वह कोटा में रावण बनाते बनाते बच्चे से बड़े हो गए और उनका मन नहीं माना, इसलिए उन्होंने अपनी ओर से ही 15 की जगह 25 फीट का रावण बनाने का निश्चय किया। पिछले दो साल से कोरोना के कारण दशहरे मेले पर रोक होने की वजह से रावण बनाने का उनका पुश्तैनी काम भी ठप पड़ गया है। इससे पहले 80 से 100 फीट का जब रावण बनाया जाता था तो लगभग 8,00,000 रुपये का ऑर्डर कोटा नगर निगम द्वारा दिया जाता था। नईम अहमद उम्मीद जताते हैं कि आने वाले समय में कोरोना खत्म होगा और फिर से कोटा दशहरे मेले की रौनक दिखाई देगी। विशेष तो नहीं रहेगा, कनमे अपन खूबसूरत दिखाएंगे। 15 फीट का रावण का ऑर्डर दिया था, लेकिन मैंने अपनी तरफ से 10 फीट और बढ़ा दिया, इसमें अच्छा लगे रावण। अब कनमे आंखें भी चलेगा रावण नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। कनमे साधारण रावण बनाया मैंने, खूबसूरत दिखेगा बस। 18 कुछ नहीं कर रहा से कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। जब 18 लेता था रावण, हाँ वो 1 से 1 फिट का रावण बनाते थे, जब सब कुछ करते थे अपन, आंखें भी चलाते थे, हाथ भी चलता था, मुंडी भी घूमती थी, सब काम करते थे अपन। इस बार कहना 15 फिट के रावण में अपन क्या करें, इसमें पूरा फाउंडेशन बनाना पड़ता है, जब जाके सेटिंग होती है। अब 15 फीट के रावण में अपन क्या करें, फिर भी मैंने 10 फीट बढ़ा दिया, 25 फीट का रावण बना दिया मैंने। जबकि ऑर्डर आपको 15 फीट के रावण का, हाँ 15 फीट का ऑर्डर था, लेकिन मैंने फिर भी 10 फीट और बढ़ा दिया अपनी तरफ से, हाँ खूबसूरती दिखे। अब क्या नाम है, नगर निगम को सोचना होगा, ये तो अब अपन ने तो बना दिया। अगले साल भी उम्मीद करते हो अगले साल देखो, ये कोरोना खत्म हो जाए तो, ये कोरोना ने तो सबको बर्बाद कर दिया, ये कोरोना खत्म हो जाए बस। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़।